के दिशा निर्देश में चल रहे सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत आज आरटीओ मुरादाबाद ने ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से गांधीगिरी दिखाते हुए नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन स्वामियों को गुलाब का फूल भेंट करते हुए नियमों का पाठ पढ़ाया और कोविड-19 के बारे में जानकारी भी दी। दरअसल विगत 22 जून से प्रदेश भर में सड़क सुरक्षा सप्ताह चल रहा है, जिसके तहत आरटीओ विभाग और प्रदेश की ट्रैफिक पुलिस वाहन चालकों को सड़क पर चलने संबंधित नियमों का पाठ पढ़ा रहे हैं। इस सड़क सुरक्षा सप्ताह में ट्रैफिक पुलिस और वाहन चालकों की सैंपलिंग भी कराई गई। मुरादाबाद आरटीओ परिवर्तन कमल गुप्ता ने इस सड़क सुरक्षा सप्ताह पर विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि ये 22 जून से 28 जून तक चलेगा। आज इसका दूसरा दिन है। वाहन चालकों को आज गांधीगिरी के तहत एक गुलाब का फूल भी भेंट किया गया और उन्हें शर्मिंदा किया गया, ताकि वो लोग सीट बेल्ट और हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें। सही मायने में आज का दिन ऐसे ही वाहन चालकों के लिए चुना गया है जो सीट बेल्ट और हेलमेट नहीं लगा रहे हैं। इस अवसर पर वाहन चालकों को कोविड-19 से जुड़े नियमों से भी अवगत कराया गया। सर, सड़क सुरक्षा सप्ताह चल रहा है, तो आज क्या कार्रवाई की गई है और क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? कैलेंडर वर्ष 2020 का यह पहला सड़क सुरक्षा सप्ताह है जो 22 जून से 28 जून तक चल रहा है। आज उसका दूसरा दिन है। आज दूसरे दिन हम लोग गांधीगिरी के माध्यम से लोगों को सीट बेल्ट और हेलमेट के प्रति जागरूक कर रहे हैं। जिन लोगों ने सीट बेल्ट या हेलमेट नहीं लगाया है और वाहन चला रहे हैं, उनको हम लोग पुष्प देकर शर्मिंदा करते हुए उन्हें जागरूक कर रहे हैं कि आगे से वो सीट बेल्ट और हेलमेट लगाकर वाहन चलाएं। क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? कोविड-19 भी चल रहा है, कोरोना वायरस भी महामारी का असर बहुत तेज़ी से है, और वहीं ट्रैफिक को देखते हुए आपका क्या क्या कहना चाहेंगे आप? मैं मुरादाबाद की जनपद के लोगों से यह अपील करता हूँ, जब भी सड़क पर निकले यातायात नियमों का पालन करें। घर पर उनका कोई ना कोई इंतजार कर रहा है। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, हमेशा इस बात को अपने दिमाग में रखें और अपने जीवन को दीर्घायु बनाएं। धन्यवाद।